तक ही बन जाएगा फुटपाथ, एक महीना लगेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ अर्षद, आपका स्वागत है एक बार फिर से। अब महात्मा गांधी सेतु के न्यू अपडेट में तो देख सकते हैं, अभी जो पूर्वी लेन इसका बन के तैयार हो चुका है, उसके ऊपर भी गाड़ियाँ जो है सो फर्राटे भाई साहब भर रही है, और दोनों लेन से समझ लीजिए गाड़ी स्मूथली जा रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड भी लग गया है यहाँ पर, और देख लीजिए पुराने वाले गांधी सेतु और नए वाले गांधी सेतु दोनों साइड से। आप लोगों को एक बार मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि अभी एक सप्ताह बाद, मतलब ये 46 नंबर का पाया है, और उधर में भी देख लीजिए नए वाले गांधी सेतु से जो है सो गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। तो भाई अब जो है सो समझ लीजिए फिलहाल गांधी सेतु पर जाम जो है सो समझ लीजिए नहीं लगता है, और यही मुआयना करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब जो है सो गांधी सेतु के ऊपर कितना जाम लगता है और कितना भीड़ भाड़ होता है वही देखने के लिए आया हूँ। भाई अभी पूरा का पूरा जो लोड है ना वो समझ लीजिए पूर्वी लेन पे ट्रांसफ़र हो गया है। अब जो है सो समझ लीजिए जाम की समस्या जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। भाई यहाँ पर भी देख लीजिए फुटपाथ का जो काम है वो शायद यहाँ पर चल रहा है, जो कि देख सकते हैं आप लोग लगे हुए हैं और काम जो है इंजीनियर्स लोग कर रहे हैं। तो अभी भी फुटपाथ का जो काम है वो अभी भी बचा हुआ है, फोन्स की टीम है जो कि यहाँ पर अभी भी काम कर रही है। तो नए वाले गांधी सेतु हो या पुराना वाला गांधी सेतु हो, दोनों साइड से फुटपाथ का जो काम था वो बचा हुआ था, लेकिन उसका उद्घाटन हो गया था। लेकिन अभी भी जो है सो भाई साहब काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग हो रहा है, और बिना झंझट के लोग जो है सो पटना से हाजीपुर, हाजीपुर से पटना आ रहे हैं जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल गांधी सेतु पूरा खाली है, एक साइड से गाड़ी दोनों लाइन पर गाड़ी चल रही है, और उधर दोनों लाइन से गाड़ियाँ जो है सो हाजीपुर के साइड से आ रही है। भैया जाम की समस्या अब भी जो है सो कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है, ख़त्म हो गया है वैसे। अब जो है सो जाम का समस्या बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। यही चीज़ दिखाने के लिए मैं आप लोगों को इसके ऊपर आया था, आप लोग भी देख लीजिए। अब जो है कभी कभी तो ऐसा होता है पूरा पूरा गांधी सेतु ही खाली रहता है। तो इधर से देख लीजिए, इधर में भी जो मैं आप लोगों को तस्वीर दिखा रहा हूँ फुटपाथ के एरिया में भी देख लीजिए भाई साहब काम बचा हुआ है, और नए वाले गांधी सेतु का जो पाया का निर्माण हो रहा है वो भी शायद आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा। शायद ये फुटपाथ का ढलाई भी बचा हुआ है अभी पुराने वाले गांधी सेतु का, लेकिन नीचे में जो नए वाले गांधी सेतु का निर्माण हो रहा है उसका पाया भी आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, जो कि ये पाया बनेगा एक, और एक बीच में एक और पाया कहीं से बनना बाकी है। इसका निर्माण भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, बार्च की मदद से लोग काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ दिखाना था, आगे भी एक पाया का निर्माण हो रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा आप लोगों को नए वाले गांधी सेतु का जो पाया का निर्माण हो रहा है कहाँ पर हो रहा है उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को एक झलक दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को कमेंट भी कर दीजिए। 41 नंबर का पाया से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और आगे बढ़ेंगे तो 42 नंबर पाए के पास जो है सो गंगा नदी में नए वाले गांधी सेतु का एक पाया का निर्माण हो रहा है, जो कि मैं आप लोगों को इधर से तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। फुटपाथ का एरिया है, थोड़ा सा कम दिखेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा भाई आप लोग। तो देख लीजिए मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ नए वाले गांधी सेतु का एक पाया का, देख लीजिए यहाँ पर भी निर्माण हो रहा है, हालाँकि उसका श्रिंकिंग किया जा रहा है। जो मिट्टी बालू है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो क्रेन की मदद से निकालने का काम हो रहा है। तो नए वाले गांधी सेतु का भी काम जो है सो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, यही सब चीज़ जो है आप लोगों को दिखाना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इधर में कुछ काम चल रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है सो कुछ वर्कर लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, और पता नहीं यहाँ पर क्या काम हो रहा हो, यहाँ पर इसका काम हो रहा है, क्या चीज़ का काम कर रहे हैं आप लोग? अच्छा फिनिशिंग कर रहे हैं, ये वाला पुल का कि वो वाला पुल का? ये वाले पुल का। अच्छा फिनिशिंग का काम कर रहे हैं ये लोग, कहीं कहीं पे क्यों फिनिशिंग कर रहे हैं, तो पहले बन के तैयार हो गया था ना। तो यहाँ पर जो है सो ये लोग फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जगह जगह पे मेंटेनेंस का भी काम हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो मेंटेनेंस का काम है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी भी काम जो है सो भाई गांधी सेतु में चल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं चल रहा। देख लीजिए पुराने जो इसका पश्चिमी लेन है उसके ऊपर से मैं अभी गुजर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए पश्चिमी लेन पर जो है सो फुटपाथ का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अब लोग फुटपाथ का काम कर रहे हैं ना सर जी, कब तक ही बन जाएगा फुटपाथ?
एक महीना लगेगा, एक महीना में ये भी फुटपाथ बन जाएगा, उधर का भी फुटपाथ का जो ढलाई का काम है वो हो जाएगा। हाँ वो तो चालू तो हो गया दोनों साइड। और आतिफ भाई कैसे हैं? ये जो आपका नीचे में बन रहा है नीचे जा रहे हैं? हाँ इसमें भी काम चल ही रहा है, ये भी बन ही जाएगा एक दो घंटे, बन रहा है ना अभी, एक डेढ़ महीना में बन जाएगा, बन जाएगा। नया वाला गांधी सेतु का नीचे जा रहे हैं देने के लिए। आप देख सकते हैं जो फुटपाथ एरिया का जो निर्माण है, जो काम है वो अभी भी चल रहा है भाई। नए वाले गांधी सेतु हो, पश्चिमी लेन में भी और पूर्वी लेन में भी जो है सो फुटपाथ का काम हालांकि बचा हुआ था तो उसका भी काम जो है सो समझ लीजिए अभी चल रहा है। तो ये जो है सो समझ लीजिए चलता रहेगा काम, जो है सो कंटिन्यू और लगातार जो है सो समझ लीजिए यहाँ पर हो रहा है। तो ये तो बन के तैयार हो गया है, दोनों साइड से आपको जो है सो गाड़ियाँ आती जाती दिख रही होंगी, जो फर्राटे वो भर रही है गाड़ियाँ। तो मेंटेनेंस का कहीं पर काम हो रहा है, कहीं पर फुटपाथ का काम हो रहा है जो कि आप देख सकते। तो इसी आपको होता हुआ दिखेगा क्योंकि भाई जब ये लेन पश्चिमी लेन जब चालू था तो इसका मेंटेनेंस का भी काम उतना नहीं चल रहा था क्योंकि फुटपाथ के एरिया में भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था क्योंकि भाई दोनों लेन से एक ही लेन से दोनों लेन पे गाड़ियां जो है हाजीपुर से आ रही थी और पटना के साइड से जा रही थी तो काम करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था इन लोगों को। अब देख रहे हैं कई जगह जगह पर जो है सो बैरिकेडिंग कर दिया गया है और देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैक्टर खड़ी है अगर ये पहले के मुकाबले अगर खड़ी रहती तो यहाँ पर काफ़ी जाम का समस्या हो जाता। तो यहाँ पर भी देख लीजिए फुटपाथ का जो काम है वो चल रहा है। इधर हाल फिलहाल में ढलाई का काम हुआ है फुटपाथ में, इसका पूरा पानी पटाने का काम है वो चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए जो ट्रैक्टर वगैरह खड़ा है उसमें लाल झंडा जो है सो लगा हुआ है ताकि भाई जाम ना लगे। जाम तो खैर अब लगना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि भाई दोनों साइड से गाड़ियाँ चल रही है। इधर में भी देख लीजिए वो पश्चिमी लेन का फुटपाथ का काम है वो ढलाई कर दिया गया है। यही चीज़ दिखाना था आप लोगों को जो गांधी सेतु में अभी क्या सिचुएशन है, क्या हाल है और कितना काम बचा हुआ है, ये सब चीज़ दिखाना था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।